अब नई पीढ़ी को चंबल के इतिहास से रूबरू कराने के लिए भिंड पुलिस नई पहल शुरू करने जा रही है, जिसमें डकैतों के खात्मे और उन्हें समाज की मुख्यधारा में लौटाने की कहानी को म्यूजियम के जरिए लोगों को बताया जाएगा। इसके लिए पुलिस ने एक ब्रिटिश काल के पुराने थाने को चुना है। अस्सी के दशक में चंबल के बिहड़ों में डकैतों की तूती बोलती थी, जिसमें फूलन देवी, धनसा बाबा, मोहर सिंह, माधव सिंह जैसे बड़े नाम थे। इनमें से ज्यादातर डकैत अब इस दुनिया में नहीं है। उन्हीं में से एक मोहर सिंह है, जिनका पिछले साल 93 साल की उम्र में निधन हुआ। लेकिन मोहर सिंह के किस्से आज भी लोगों के बीच सुनने को मिलते हैं। 60 के दशक में मोहर सिंह के गिरोह पर 12 लाख रुपए का इनाम था। 2 लाख का इनाम तो अकेले मोहर सिंह पर था और मोहर सिंह की छवि लोगों के बीच रॉबिनहुड की तरह थी। ऐसे कई अनगिनत किस्से हैं जो लोगों की जुबान पर चढ़े हैं। उनकी जिंदगी के बारे में नजदीक से जानने की ख्वाहिश हर किसी को है और ये पूरी होगी ब्रिटिश काल के इस थाने में। महगांव का ये वही थाना है जिसे म्यूजियम के रूप में तैयार किया जाएगा। इस बिल्डिंग को हेरिटेज लुक में सजाया संवारा जाएगा, जिसकी दीवारों पर 1960 से 2011 तक चंबल के बिहड़ों में सक्रिय रहे डकैतों की पूरी हिस्ट्री शीट और फोटो प्रदर्शनी सजाई जाएगी, ताकि डकैतों की जिंदगी के बारे में नई पीढ़ी नजदीक से जान सके। कि यहाँ में बिहड़ की संस्कृति की चीजें रखी जाएंगी, जो बड़े बड़े गैंग हुए उनके बारे में जानकारी दी जाएगी, उनके साथ जो पुलिस के इनकाउंटर्स हुए हैं उसमें जो पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं, जो उनके विक्टिम हैं, जो यहाँ के लैंग्वेज जिन्हें पकड़ कहते हैं, उनके बारे में स्टोरी डाली जाएगी, ताकि भिंड के बारे में लोगों को जागरूकता आए और रिसर्च हो सके और आगे हिंसा में कमी आ सके। म्यूजियम के लिए फंड जन सहयोग से जुटाए जाने की योजना है। पुलिस की कोशिश है कि लोगों को पता चले कि आखिरकार किन परिस्थितियों में ये डकैत बंदूक उठाकर बिहड़ों में कूदे और इस दौरान उनका जीवन कितनी कठिनाइयों से भरा रहा। कोशिश ये भी बताने की है कि अपराध की दुनिया हमेशा स्याह होती है, इससे दूर रहना ज्यादा ठीक है। सौरभ शर्मा, बंसल न्यूज़, भिंड।